हैं। चना मेरी बहन भूंजी है तो उसको हम लोग खा रहे हैं। एक तरफ खा रहे हैं और एक तरफ क्या करते हैं दिखाते हैं आप लोग को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जो हाजिर है धर्मेश। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहा है, शाम का समय है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, चना मेरी बहन भूंजी है तो उसको हम लोग खा रहे हैं। एक तरफ खा रहे हैं और एक तरफ क्या करते हैं दिखाते हैं आप लोग को। इधर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाई भी एक साइड पढ़ाई भी हो रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ बताने वाली हूँ। कुछ देरी बाद बहुत मैं कर्ज में फंसी हूँ, तो क्या क्या कर्ज में फंसी हूँ मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाई करने के बाद मैं खाना पीना बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों, इसीलिए हम लोग ठंडा में सोच रहे हैं कुछ कुछ खाने के लिए। अच्छा लगता है 4 बजे शाम में, अच्छा लगता है। तो वही भूंजी है मेरी बहन, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोग से। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ाई लिखाई करके उठ गई हूँ। अभी ज़्यादा टाइम वैसा नहीं होगा, 7:30 बज रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ खाने बनाने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों, आटा मैं गूंथ ली हूँ, इधर गोभी का सब्जी है, इधर आलू मैं काटी हूँ, इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो चलिए बनाने के बाद मिलते हैं आप लोग से। देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल खाना पीना खा के मैं बैठी हूँ। तो आप लोग को मैं कुछ बताने वाली थी, तो चलिए बता ही देते हैं दोस्तों। मेरे लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा कर्ज में फंसी हूँ। अभी NM का कोर्स करने में 2 लाख रुपया लग रहा है, 1 लाख फर्स्ट ईयर का दिला गया है और 1 लाख अभी देना बचा हुआ है, मतलब 85,000 देना बाकी है और कुछ कुछ मिला के 1 लाख हो ही जाएगा, जो कि भी हम सेकेंड ईयर का फीस नहीं दे पाए हैं। और समूह में भी मेरा कर्ज है बहुत ज़्यादा, 50,000 जैसा है, उसको भी मैं नहीं दी हूँ। अब पता नहीं पैसा के वजह से क्या होगा, तो NM भी मेरे को छोड़ना पड़ सकता है दोस्तों। अब मैं क्या करूँ, टेंशन में है थोड़ा सा। NM का फीस भी देना है दोस्तों, फिर शादी वगैरह भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर ही बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। अब देखिए, वही सोचना पड़ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, छोटा सा था। बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसीलिए मैं सोची कि आप लोग को बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा कर्ज में अभी फंसे हुए हैं। अब इधर NM का कोर्स कम्प्लीट होगा तो ही मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी, ताकि 2 पैसा मैं कमा के भर सकूँ। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, छोटा सा वीडियो रहा आज का। तो आप लोग देखिएगा, जो भी मेरे चैनल में नए आए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।